Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. Hi, I'm Anupama Chopra. On this month's episode of FC Artist to Watch For, I'm introducing you to writer, poet and lyricist Gaurav Solanki. Gaurav is the co-writer of Ayushmann Khurrana's latest film, Article 15. Gaurav wrote the film with director Anubhav Sinha. Article 15 is an unsparing thriller which shows us the brutality of the caste system in India. The film has been a critical and commercial success, earning more than 50 crore at the box office. Gaurav and I chatted about writing and how to break through in Bollywood. So Gaurav, how does an IIT engineering graduate from Roorkee become a writer in Bollywood? So actually I wanted to become a filmmaker from when I was 18, 19. That was always an ambition. So, when I was a kid, I wanted to become an actor. Huh, I read that. So, bachpan mein dekh ke lagta na ki being an actor is a cool thing. Yeah. So, mesmerized tha cinema se hamesha. Phir college mein gaya, padhai mein achha tha, to middle class ki jo bhi anxiety, insecurities hoti hain, wo IIT mein bhej diya. और वहाँ पे और एक्सपोजर हुआ दुनिया का. आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म्स फ्रॉम द वर्ल्ड. सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में लगा कि फिल्म मेकर बनना है. आई थिंक रंग दे बसंती वाज इंजीनियरिंग में कभी मन नहीं शुरू में भी नहीं था. दैट वाज जस्ट योर फसाद. सो जब मैं इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहा था तो मुझे लगा बॉम्बे चला जाऊंगा इस बहाने. IIT बॉम्बे चला जाऊंगा. व्हिच योर पेरेंट्स ऑब्वियसली डिड नॉट नो. या. सो इवेंचुअली आई गॉट अ बेटर ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन रुड़की. घर के पास था तो उधर के पढ़ाई की. एंड आई वॉज मोर एक्टिव इन द लिटरेरी मैगजीन ऑफ माई कॉलेज. तो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं. मैंने ड्रामा सोसाइटी में भी एंट्री की कोशिश की, उन्होंने मेरे को लिया नहीं. तो मैं मैगजीन में लिखने लगा. इवेंचुअली आई बिकेम द चीफ एडिटर ऑफ द कॉलेज मैगजीन. और वहाँ से राइटिंग शुरू हुई. एंड मैंने FTI का एंट्रेंस दिया IIT से पढ़ाई के बाद. Really? हाँ. सो आई गेव द एंट्रेंस फॉर डायरेक्शन कोर्स. आई गॉट सिलेक्टेड. बट फिर मुझे लगा यार 4-5 साल तो और पढ़ाई नहीं कर सकते. ऑल्सो आई हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन द फैमिली फॉर 4-5 years फॉर दैट. सो वो नहीं किया. बट आई टुक अ जॉब इन गुड़गांव. इंजीनियरिंग जॉब इन अ नेटवर्किंग कंपनी. सो मुझे लगा 2-3 साल पैसा कमाता हूँ फिर बॉम्बे जाता हूँ. 6 महीने बाद लगा कि 6 साल हो गए हैं जैसे. एंड आई ट्राइड कि हर दिन कम से कम 2 फिल्में देखूं और कुछ ना कुछ लिखूं. तो आई स्टार्टेड वॉचिंग कुरोसावा, अल्मोदोवार, वोंग कार-वाई, त्रूफो, व्हाटएवर आई कुड वॉच. तो मैं अपना फिल्म स्कूल खुद कर रहा था. व्हेन डिड यू कम टू बॉम्बे? आई केम अराउंड 7 years बैक ऑन 8 December 2011. Now, yeah. Article 15 is your first screenplay. Yes. Which you've co-written with Anubhav. Yeah. Caste is usually something, Gaurav, that Hindi cinema runs away from. Yes. Did you, when you were writing this screenplay, have conversations about hum itna dikha sakte hain but iske aage nahi ja sakte? So hum isko leke hume bahut pata tha ki Hindi cinema kaise baat karta hai caste pe, ki caste ke naam nahi liye jate, kis tarah ke characters hote hain, kitni detailing pe jate hain. और बहुत शुरू से ये क्लियर हो गया था लिखने के दौरान कि उसकी चिंता नहीं करनी है जो हिंदी सिनेमा करता है. सो जो मन में आए करना है, एक कहानी कहनी है जो एंगेजिंग कहानी लगे. व्हेन आई केम ऑन बोर्ड विद अनुभव, सो आई सेड कि हॉलीवुड एक इतने अच्छे से करता है कि सोशल इश्यूज पे फिल्में बनाता है, बहुत एंगेजिंग कमर्शियल फिल्में होती हैं, व्हाई शुडंट वी मेक इट एज अ थ्रिलर. तो वहाँ से फिर थ्रिलर बनना शुरू हुआ. उनको भी बहुत एक्साइटिंग लगा ये. फिर हम दलित जो करंट अपसर्ज है, एंगस्ट है दलित यूथ का, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो एक एक करके वो सब इंसिडेंट्स आते गए. तो नॉर्मली वी डोंट टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी इंसिडेंट्स इन मेन स्ट्रीम फिल्म्स ना. सो या तो कोई आर्ट हाउस फिल्म बनती है या डॉक्यूमेंट्री बनती है उस पर. सो लगा कि एक फिल्म में अगर ये सब कह दिया जाए, ऑर्गेनिकली कह दिया जाए, ऐसा ना लगे कि अलग अलग इंसिडेंट्स चिपका दिए हैं, तो इट माइट वर्क. एंड वी केप्ट ऑन राइटिंग ड्राफ्ट्स आफ्टर ड्राफ्ट्स, kept on sharing with people, with crew. और एक टाइम के बाद कॉन्फिडेंस आने लगा था कि दिस इज समथिंग इट्स कमिंग टुगेदर. बट हाउ टफ इज इट गौरव टू मैरी द मेन स्ट्रीम फॉर्म विद अ सब्जेक्ट एज कॉम्प्लिकेटेड एंड एज डिफिकल्ट एज कास्ट? डिड यू फील दैट एज एन आर्टिस्ट यू एवर हैड टू कॉम्प्रोमाइज? नो. नॉट एट ऑल. वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज एंड वी ट्राइड टू फाइंड वेज कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और अपनी बात भी कह दें एंड स्टिल इट स्टेज इंटरेस्टिंग.
वो जो एक लड़की मिसिंग है वो कहानी इसीलिए लाई गई ताकि जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस, जो मास ऑडियंस भी है जिसको शायद इस कास्ट इशू से उतना लेना देना नहीं होगा, बट वो उस मर्डर मिस्ट्री के लिए इस कहानी को देख ले। राइट. उसके साथ साथ हम एक और लेयर में, तो दो फिल्टर हमेशा थे, एक मिस्ट्री थ्रिलर का फिल्टर कि उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इट कांट बी अ सोशल ड्रामा, इट कांट अफोर्ड टू बी अ सोशल ड्रामा, एंड द सेकेंड फिल्टर वॉज वी नीड टू से एवरी सिंगल थिंग वी वॉन्ट टू से. So there were dozens of things we wanted to say through the characters, through their equations, through their relationships, through the voiceover of Nishad. That was very important. So once we cracked ki Nishad ke voiceover se bahut sari baatein keh sakte hain, wo bada reassuring tha. Before that we were struggling ki ye baat jo kehni hai kaise kahenge. Right. Gaurav, I read that you, when you write female characters, you show them to a friend who's an older female friend to make sure that you're not making any mistakes in the representation. What do you think is most problematic about the way women are represented on screen in mainstream Hindi cinema? So abhi to thoda change ho bhi raha hai, but still wo jo women oriented films hoti hain unme change ho jata hai, aur baki mainstream films mein zyada tar female characters they always seek for the support from the male protagonists. जब वो कन्फ्यूज़ होती हैं लाइफ में तो वो उनको रास्ता दिखाता है, विच इज़ मोस्टली आई थिंक उल्टा है लाइफ के, रियल लाइफ से उल्टा है, बिकॉज आई हैव बीन विद वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल्स इन फैमिली अमंग फ्रेंड्स. मुझे लगता है कि वो क्यों नहीं डिपिक्शन होना चाहिए ना, वो जो रियल डिपिक्शन है. सो दैट्स हाउ अदिति का करेक्टर जो खास कर है, सो किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि वो श्री कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता लगता है, कि श्री कृष्ण हमेशा बता रहा है क्या करना है और अर्जुन उस रास्ते पे एग्जीक्यूट कर रहा है. राइट. सो वी वर वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट कि जो फीमेल, क्योंकि छोटे कैरेक्टर्स थे, सो इवन इफ यू लुक एट द कैरेक्टर ऑफ दैट डॉक्टर मालती, बहुत छोटा कैरेक्टर है एक दलित डॉक्टर का, बट शी इज एम्पावर्ड एंड शी इज अ लिटिल बिट अफ्रेड इन द बिगिनिंग, बट स्टिल वो उतने बड़े स्ट्रांग लोगों से पंगा ले रही है. गौरा का कैरेक्टर है, वो एक गांव में रहने वाली लड़की है जो इसको बोल देती, वो बोलता है कि आपको, मुझे अफसोस है, तो बोलती है अफसोस होना चाहिए सर. शी टेल्स हिम अबाउट भगत सिंह कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, या जो अदिति कहती है कि हीरो नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत एक और बॉलीवुड में, क्या हॉलीवुड में भी होता है, फीमेल कैरेक्टर्स जब दो फीमेल कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो दे टॉक अबाउट सम मेल, ऑफ कोर्स दैट इज द बेकडेल टेस्ट. यस. सो आई एम क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट इन माय वर्क्स, कि ऐसा एक फिल्टर से उससे देख लेता हूँ बार बार कि फीमेल कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है. आई शेयर इट विद फीमेल फ्रेंड्स ऑल्सो, तो वो ध्यान रखना चाहिए. टेल मी योर फर्स्ट जॉब, Gaurav, was writing lyrics for Anurag Kashyap's Ugly. Yeah. How did you get that first break and how hard was it to survive in Mumbai till you got that break? So actually Anurag ne promise to mujhe Bombay aane se pehle hi kar diya tha ki main kaam dunga, main tumhe kaam dunga. To uske bharose wo verbal promise tha, par main aa gaya tha. I wanted to work with Anurag. Hum wo passion for cinema chalta tha tab, Anurag ko padhte the, college mein the, to I wanted to work with him. Black Friday, Gulal, I love. मैं अनुराग से मिला था उड़ान के प्रीमियर पे दिल्ली में. सो देन हम कुछ बातें हुई, देन आई शेयर्ड माय वर्क्स विद हिम, तो ही सेड डू यू वांट टू कम टू बॉम्बे, आई सेड यस बट गिव मी सम वर्क, वैसा वाला. तो उसने कहा तो बॉम्बे आके ही मिलेगा बट कुछ करते हैं. उस टाइम ही वॉज मेकिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर. बॉम्बे आने के 6-7 महीने में पहला काम मिल गया था, एंड अनुराग ऑल्सो बॉट द राइट्स ऑफ वन ऑफ माई स्टोरीज जो बनी नहीं बाद में, हिसार में हाहाकार. So and then he was starting Ugly, so he said I want you to write the lyrics. तो वो पहला काम तो इतना मुश्किल नहीं हुआ, पर Ugly के रिलीज़ होने में बहुत टाइम लग गया, और क्योंकि प्रमोशन भी उस तरह का नहीं था उस फिल्म का, उतनी बात नहीं हुई इस फिल्म के बारे में, तो मुझे लगा था कि Ugly आएगी तो बहुत लिरिक्स अप्रिशिएट होगा और बहुत सारा गाड़ी चल पड़ेगी Ugly के बाद, लोग काम देंगे लिरिक्स का. तो ऐसा कुछ हुआ नहीं. After that, I could survive क्योंकि मैं ads के लिए भी गाने वाने jingle लिखने लग गया था. I met Prasoon Joshi, he liked my poetry. So उनकी agency से कुछ काम आने लग गया, उसमें भी मैंने poetry करने की पूरी कोशिश की quality work ही करें, तो कुछ अच्छे brands के लिए अच्छा काम करता रहा, उससे घर चलता रहा और साथ साथ screen plays लिखता रहा.
मेरी एक स्क्रिप्ट निसार जो सनडेंस की स्क्रीन राइटर्स लैब में भी सेलेक्ट हुई थी, फिर कुछ फिल्म बनते बनते रुक गई, ये बनने वाली है, 6 महीने काम हुआ वो रुक गया। सो लास्ट 3-4 साल से ऐसा लग रहा था कि अब कुछ होने ही वाला है, उसके होते होते आर्टिकल 15 तक बात आ गई। बट गौरव, जब ऐसा लगता है जब कि कुछ होने वाला है एंड इट डजंट हैपन फॉर 3-4 years, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाउ डिड यू कीप गोइंग? आई थिंक आई हैड दिस फ्लेम, आई एम थैंकफुल टू दैट, कि अंदर कुछ आग थी, चाहे 10 साल और लग जाते। मतलब बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आप कभी कुछ एवरेज काम को बहुत हिट होते देखते हैं, उससे भी गुस्सा आता है, और दैट हैपेंस ऑल द टाइम। सो दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग, दैट्स डिप्रेसिंग, बट आई केप्ट ऑन राइटिंग स्टोरीज, आई केप्ट ऑन राइटिंग स्क्रिप्ट्स, आई राइट लिटरेरी स्टोरीज ऑल्सो, सो वो था। यू आर एन अवार्ड विनिंग ऑथर इन फैक्ट। So I refused that award. Yes, I know, because they were instructing, they were moral policing, moral policing me. But at the time, what did you tell yourself? Just keep going. And I have so many stories to tell that I can't stop. So agar koi nahi sunega to main kamre mein likh ke rakhta rahunga. And I was sure, I don't know wo surety kahan se aayi. कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 10 साल बाद कुछ होगा ही, ये कहानियाँ बनेंगी। आई थिंक जिन लोगों से मिलता था, जिनके साथ काम कर रहा था, वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे मेरी राइटिंग को। ऐसा हुआ जिसके साथ एक बार काम किया, उसने बहुत लोगों को रिकमेंड किया, दूसरा काम मिला, सो दैट रेज्ड माई कॉन्फिडेंस। और आई थिंक वो साल बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए थे बिकॉज आई केप्ट ऑन पॉलिशिंग माई स्क्रीन प्ले राइटिंग। जो मेरे ड्राफ्ट्स थे, मैं ड्राफ्ट्स पे ड्राफ्ट्स करता रहता था अपनी स्क्रिप्ट्स के, तो मैं खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो इट ऑल हेल्प्ड, मतलब अगर कहानी अच्छी जगह खत्म होती है तो अच्छा लगता है, करेक्ट, अगर अच्छी जगह नहीं होती तो राइट बहुत बुरा लगता है। सो गौरव, व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू यू नो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक यू हु कम टू मुंबई टू मेक इट इन हिंदी सिनेमा? I think they should have some backup plan because this is not the मतलब किसी और software industry जैसी industry नहीं है। इधर कोई सीधा रास्ता एक नहीं है, ऐसा नहीं कि आप degree लेके कुछ कर लोगे, कभी जल्दी हो जाता है, कभी time लग जाता है, and mostly time लग जाता है। So उस time में आप भूखे ना मरो, आप निराश ना हो, उसकी एक तैयारी रहे। Some people come to Bombay and say कि हमारे घर वालों ने हमको 1 साल का time दिया है, right. 6 महीने का time दिया है, तो वो मैं कहता हूँ कि फिर आप आओ मत, मतलब 6 महीने का टाइम लेके आ रहे हो तो वैसा मत कीजिए, और अपने क्राफ्ट पे बहुत काम करते रहिए। बहुत सारे लोग टाइम लेके आते हैं एंड दे स्टे इन बॉम्बे, बट वो क्राफ्ट पे काम करना भी बंद कर देते हैं। तो मैं यंग था तो किसी ने मुझे बोला था कि जब तक जंग नहीं होती तब तक हथियार तो तराशते रहो, साफ करते रहो, करेक्ट, क्योंकि जिस दिन जंग शुरू होगी उस दिन हथियार साफ करने का टाइम नहीं मिलेगा, करेक्ट, तो वो करते रहो आप कॉन्स्टेंटली, राइट, और पैसा कमाने का एक तरीका ढूंढ लो जब तक फिल्मों से पैसा ना कमाए, जब तक जंग शुरू ना हो जाए। हाँ, वो मैं सुझाऊंगा। और राइटर्स से मैं कहूंगा कि फिल्म राइटर्स, एस्पायरिंग फिल्म राइटर्स भी बहुत सारे हैं, अ लॉट ऑफ देम डोंट रीड एट ऑल, सो दे राइट बिकॉज दे वॉच फिल्म्स, दे वॉच सीरीज। तो मैं उनको बोलता हूँ कि राइटर के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो लिटरेचर बहुत हेल्प करता है अच्छी स्क्रीन राइटिंग के लिए भी, तो प्लीज बहुत सारा पढ़ते रहें जब टाइम हो। एंड टेल मी, अब आपकी जंग तो शुरू हो गई है, सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? आई एम राइटिंग अ फिल्म विद दिबाकर बनर्जी, और इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म, ही इज एन एक्साइटिंग, वेरी गुड फिल्म मेकर। और आई एम राइटिंग अ सीरीज, अली अब्बास जफर इज डूइंग दैट सीरीज, और वो पॉलिटिकल थ्रिलर है, और 8-9 एपिसोड की सीरीज़ है, मैंने लिखी है वो पूरी। सो लास्ट कुछ सालों, ये पिछले कुछ समय का काम है जो अगले साल तक शायद बाहर आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट आई वांट टू डायरेक्ट समथिंग। सो डायरेक्शन, सो एक्टिंग एम्बिशंस आर नाउ? नो, हाँ, वो बहुत पहले थे, गॉन, या। बट यू डेफिनेटली वांट टू डायरेक्ट? आई डेफिनेटली वांट टू डायरेक्ट, या। एंड इज देयर एनीथिंग इन माइंड ऑफ व्हाट योर फर्स्ट फीचर वुड बी? आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स, कुछ एक आध महीने में क्लियर हो जाएगा। इट माइट बी अ रोम कॉम, इट माइट बी अ थ्रिलर, इट माइट बी अ ड्रामा।
You surprise us. We shouldn't think कि आपने आर्टिकल 15 बनाई है तो फिर वैसी ही फिल्में आएंगी. हाँ, मुझे लग रहा है कि अर्बन फिल्म होगी तो आर्टिकल 15 से काफी अलग होगी. बट आई एड्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वट एवर आई डू. आई ट्राई टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अपनी फिल्म से. तो मुझे लगता है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे शहर की चाहे गाँव की, तो एक एक करके सुनानी चाहिए कहानी. Sounds good, Gaurav. Thank you, and we look Thanks forward to up next. Jo bhi sunayenge. Thank you. Thanks a lot. Hi, this is Gaurav Solanki. If you like this video, please subscribe to Film Companion.